हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं देहरादून जा रहा हूँ अभी। मैं मंडावली नजीबाबाद से जो आगे पड़ता है उसके आगे आनंद ढाबा है। पीछे यहाँ पर बस रुकी हुई है हमारी आधा घंटे के लिए। तो यहाँ पर जब तक आधे घंटे के लिए बस रुकी हुई है, मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा इधर दिखा दूँ क्या चल रहा है। तो जब मैं कोटद्वार से निकला था तो काफ़ी धूप थी आज के दिन। आज तारीख है 7 जनवरी है, लेकिन यहाँ जैसे कोटद्वार से थोड़ा आगे यहाँ पर कोहरा पड़ने लग गया और पूरा मुझे लगता है हरिद्वार तक कोहरा ही रहेगा। तो जरा देखो ऐसा नज़ारे है। ये इस रास्ते देहरादून हरिद्वार का रास्ता निकल रहा है और पीछे से नजीबाबाद से आ रहे हैं हम, और यहाँ पर हमारी बस है। तो क्या करते हैं, घूम लेते थोड़ा। वैसे यहाँ पर लोग तो रहते हैं नहीं, देख रहे होंगे पूरा हाईवे है, फिर भी आगे मंदिर बन रहा है, वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या काम चल रहा है। तो ट्रैक्टर ट्रैक्टर चल रहे यहाँ पर आजकल। यहाँ पर गन्ने गुन्ने भी खूब ले जा रहे हैं लोग, ट्रक में भी ट्रैक्टर में भी भर के ले जा रहे हैं, ऐसे बैलगाड़ी में भी ले जा रहे हैं। तो आजकल नजीबाबाद साइड बहुत ये गन्ने गुन्ने आजकल ले जाए जा रहे हैं। और एक रेस्टोरेंट यहाँ पर भी गाड़ी खड़ी कर रखी है, कुछ ये उत्तराखंड वालों ने कर रखी है, रोडवेज वालों ने। धर्मेश पंजाबी रेस्टोरेंट है। कोटद्वार से देहरादून का 240 रुपये ISBT तक का, जबकि मैंने रिस्पना पुल तक किराया कटाया तो 225 रुपये मुझे पड़ा, 15 रुपये सस्ता। यहाँ से मैं मंदिर दिखाने के बाद आपको वापिस ले जाऊंगा। तो ये मंदिर के सामने मैं पहुंच गया हूँ। तो यहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ बन गया है। मेरे को बस भी देखती रहनी है। बस वैसे आने तो इधर ही है, बस ने हमारी बस आएगी इधर से ही, फिर भी थोड़ा मतलब मेरे को सावधानी बननी है, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं आपको मंदिर दिखाते रहूं बस यहाँ से निकल जाए। तो ये है यहाँ का मंदिर। थोड़ा मंदिर दिखा दूं मैं, मंदिर कुछ नहीं, बस मैं ब्लॉग बनाता हूँ ना यूट्यूब पे, वीडियो बनाता हूँ वीडियो। तो कुछ बताओ कब किस चीज का मंदिर बनेगा? भोले का। अच्छा, भोले बाबा जी का। बाबा जी अंदर बैठे बैठावेंगे होली तक। अच्छा, होली में तैयार हो जाएगा, होली में तैयार हो जाएगा बन के। तो देखा यहाँ, अरे ये शिव जी की मूर्ति रखी हुई यहाँ पर। अच्छा, तो ये शिव जी की मूर्ति को आप तब वहां स्थापित कर दोगे मंदिर में? अच्छा, तो कौन कौन बना रहा है मंदिर? आप ही बना रहे हैं, हम ही अपना निजी। अच्छा, तो लोग मतलब लोगों का चंदन बना रहे हैं? चंदन ही है तो अपना निजी बना रहे हैं। आप बना रहे हो? अच्छा, तो अच्छा, तो काफी ठंडा हो रखा है आज। हाँ, तो कैसा चल रहा है, मतलब यहाँ को रही है क्या पिछले दिनों से? धूप कम आ रही है ना? अच्छा, अभी तो ये बन गया, प्लस्तर करोगे इसमें? अच्छा, चलिए ठीक है। तो मुझे ये जो अंकल जी है कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं, इन्हें किसी ने रखा होगा ना, कोई बना रहा होगा यहाँ पर, तो इनको यहाँ पर काम देखने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये काम देख रहे हैं और ये मंदिर इस तरह से बन रहा है, आपको मैं क्लोज अप दिखा देता हूँ। तो ये होली में तैयार हो जाएगा बन के, शिव जी का मंदिर बन रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा, अगर मैं पहले भी जब नजीबाबाद आया था तो हर मंदिर में हैंडपंप जरूर होता है। यहाँ पर क्या खास बात है कुछ ऐसे, जो यहाँ पर शिवलिंग भी स्थापित कर दिया। वैसे तो आप यहाँ पर हाथ जोड़ सकते हो, तो स्थापित की जाएगी यहाँ पर मूर्ति। वैसे नजीबाबाद में ठंडा बहुत ज्यादा है, कोटद्वार के मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे को अभी 12 बज गए दिन के
और मेरे को जहाँ तक लगता है कोटद्वार में भी काफ़ी अच्छी धूप निकली होगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नजीब बात में पता नहीं क्या वजह है जो यहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा लगा रहता है, ठंडियों में तो यहाँ पर समझ लीजिए धूप निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलो मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको मंदिर दिखा दिया, शिव जी का मंदिर बन रहा है, और यहाँ से फिर वहीं निकलते हैं अपने जहाँ पर अपना बस खड़ी हुई है। वहाँ पर देखे बच्चे भी काफी, यार मैं वो भी चीज आपको दिखाना चाह रहा था, बुरादा पड़ा हुआ है मुझे लग रहा है गन्ने का, वो वहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं है, तो इसलिए आपको सीधे वहीं ले जाते हैं अपना जहाँ बस खड़ी हुई है। देखो कितने यहाँ पर क्या क्या खेतों में यहाँ पर गन्ने गुन्ने गुन्ने की खेती हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा ना जो गांव है उधर है, गांव किधर के साइड, इधर घर गांव अंदर ना इधर है, इधर क्या है खेती है इधर। हाँ इधर खेती है, इधर गांव ना है। अच्छा पीछे ही है। हाँ पीछे। अच्छा तो इधर नहीं है गांव, इधर खेत है ना यहाँ पर नजीबाबाद में खेत बहुत ज्यादा है। तो अच्छा लग रहा है यार, मजा आ रहा है। तो ब्लॉग भी काफी दिनों बाद हो रहा है, तो मैंने सोचा मैंने सोचा खाने बाद में हो जाएगा क्योंकि मैं खा के आ रखा था घर से, क्योंकि तो मैंने सोचा आपको पहले यहाँ इधर गांव दिखा देते, इधर जो भी कुछ हो रहा है कामकाज यहाँ पर हो रखी थी हमारी गाड़ी खड़ी आनंद टूरिज्म ढाबा में। तो ये ढाबे सामने मैंने एक आपको आगे भी मंदिर जहाँ बन रहा है वहां पर भी ढाबा है, तो वहां पर भी उत्तराखंड वाले खड़ी करते हैं और यहाँ पर भी रोडवेज वाली खड़ी कर रखी इन्होंने। तो आपको यहाँ पर जाकर आप इधर आओगे ना तो आपको यहाँ पर जो चीजें मिलेगी, यहाँ पर ये हमारी बस है आगे वाली देहरादून की है, तो यहाँ पर ये आनंद ढाबा है और यहाँ पर मूंगफली वगैरह मिलती है। ब्रेड आमलेट है, ब्रेड पकौड़ा भी बन रहा है आजकल। तो यार इस गाड़ी में बैठा हुआ देहरादून वाली, तो ये ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो ओके फिर अगर अब देखते हैं देहरादून पहुँच के बनाऊंगा मैं ब्लॉग, तो अब सीधे गाड़ी देहरादून ही रुकेगी। तो ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आएगा तो ब्लॉग को लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।